सख्त गर्मी में गुजरा, इसमें हमारे नौजवानों ने, बूढ़ों ने और बच्चों ने रमज़ान मुबारक का रोज़ा रखा। इस पर भी मैं उन तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने तपिश के मौसम में भी रोज़ा रखा और हंसी खुशी रोज़ा रखा। और साथ ही साथ कल आने वाला जो दिन है वो हमारे लिए ईद और खुशी का दिन है। मैं सारे लोगों को ईद की मुबारकबाद दिल की गहराइयों से देता हूँ। ईद का त्यौहार अमन शांति भाईचारे का त्यौहार है, इसलिए मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करता हूँ कि पूरे मुल्क में अमन और खुशहाली का माहौल हो और मुल्क में बसने वाले सारे लोग इज्जत और वक़ार के साथ जीते रहें। इसके लिए मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ। मुसर्रत मौके पर मैं दिल की गहराइयों से अपने इस मुल्क अजीम के अंदर रहने वाले तमाम शहरी और देहाती लोगों को ईद की मुबारकबाद दिल की गहराई से पेश करता हूँ। और साथ ही साथ इस ईद के पुरमसर्रत मौके पर अमन और भाईचारगे की दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करता हूँ, इसलिए कि ईद अपने साथ अमन और भाईचारगे और खुशी का पैगाम लेकर आती है। और जितना ही मुल्क के अंदर भाईचारगी का माहौल होगा उतनी खुशहाली और तरक्की होगी। इसलिए हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक इस मुल्क को अमन का गहवारा बना दे और इस पैगाम को जो ईद के साथ है अल्लाह पाक सबको आम करे। इसलिए मैं एक बार फिर तमाम हिंदुस्तानी लोगों को दिल की गहराई से ईद की मुबारकबाद पेश करूँ।